बस फाइनली फ्रेंड्स, सो हम निकलते हैं हमारे आज के मोटो ब्लॉग के लिए। वेलकम टू ऑल। अब हम लगाते हैं हमारा वाइज़र। सो अब आप बताना हमारी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। सो हम जाने वाले हैं एक न्यू थाईलैंड ट्रिप पे। सो इस थाईलैंड ट्रिप में हम पता है क्या करने वाले हैं। जब हम जाएंगे इस बार तो हमारा हेलमेट, गोप्रो, सारा सिस्टम लेके जाएंगे, ठीक है। एंड इंडिया का जो लाइसेंस है थाईलैंड में प्रॉपर यूज़ हो सकता है, मतलब फॉर बाइक, कार, किसी भी चीज़ के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, वहाँ मोटो ब्लॉक करेंगे इस बार। वहाँ के आसपास के जो शहर, जैसे अब तो अपना हो गया बैंकॉक, बैंकॉक तो उनकी मेन सिटी है, वहाँ पर तो हम क्या ही करेंगे। थाईलैंड बैंकॉक तो फिर पटाया जाएंगे ना अपन। ओ हो, पानी पानी है ब्रो यहाँ तो बहुत ज़्यादा। तो हम जाएंगे पटाया, पटाया के पास के जो वो जो बीचेस है वहाँ पर इंजॉय करेंगे, वहाँ मोटो ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए बेहतरीन, एक से एक देखना है। इस बार 16 प्रो लॉन्च होगा ना, उस टाइम हम होंगे थाईलैंड में। सो वो भी आप सबको दिखाऊंगा मैं कि कैसे हम आईफोन 16 प्रो लेके आएंगे इंडिया, किस रेट में लाएंगे, कैसे हम उसकी जुगाड़ करेंगे। बिकॉज लॉन्च होने के बाद इस बार होने वाले हैं मेजर चेंजेस, जो मुझे नहीं लगता कि इतने ईजीली हमें मिलने वाला है वो। उसके लिए हमें लगेगी बहुत मेहनत। उस बार 15 प्रो लॉन्च होने के एक महीने बाद गया था मैं, मेरे को आज भी याद है। तो उस टाइम पता क्या हुआ था, कम से कम मेरे को एक मंथ के बाद गया तो भी मुझे सुबह 5 बजे उठ के लाइन में लगा, मतलब लाइन तो क्या 5 बजे हॉस्टल, वहाँ होटल से निकला, निकले के बाद मेरे को वहाँ पर ना जाने के बाद मैं गया, पहुँचा 2 घंटे लग गए वहाँ तक, जो मॉल था सबसे बड़ा जो उनका मॉल है वहाँ, स्टोर है अंदर एप्पल का। देन 9 बजे से लाइन में लगा, जब जाके क्योंकि लोग पहले से ही खड़े हुए थे भाई वहाँ, मतलब मेरे को लगता लोग 4 बजे उठ के आ गए। तो बस उनके साथ लाइन में लगा रहा, फिर मेरा नंबर आया, फिर कलर की दिक्कत हुई, बोले प्रो मैक्स नहीं है सिर्फ प्रो है। तो मैंने बोला भाई जो वेरिएंट मिले दे दुआ दो, एक अपने लिए एक अपने दोस्त के लाया था। तो ऐसे करके उस टाइम तो मेरा काम हो गया था। तो इस बार अपन लाएंगे 16 प्रो और प्रो मैक्स दोनों एक एक पीस वापस से अपने लिए पर्सनली। तो इस तरीके से इस बार बताएंगे कि कैसे, इस बार प्रॉपर वीडियो, डिटेल्ड वीडियो डालेंगे अपन, मतलब कैश देते हुए, करेंसी एक्सचेंज, सब कुछ। यू विल गेट ईच एंड एवरी थिंग, बूम बूम चुम चुम, सब कुछ बताने वाले हैं यार कैसे सब कुछ होता है, ठीक है। सो विल गेट टू नो यू एवरी थिंग कि हम क्या क्या करेंगे। और भाई मोटो ब्लॉग, मेरे को पता है वहाँ भी पुलिस ने पकड़ लिया था थाईलैंड में उस टाइम, वो हेलमेट लगाने को, और हेलमेट के नाम पे तुम्हें पता ही है टेम्प्ररी हेलमेट कैसे होते हैं, ऐसे ख़राब, पानी लगे हुए, कड़क कड़क गड़ रहे हैं। और मैंने नहीं लगाया, भूल गया भाई, मेरे को पकड़ लिया उनने वहीं पर मेन चौराहे पर। फिर अब पकड़ लिया तो फिर मैं भी क्या करता, इंडिया तो ही नहीं भाग जाओ क्योंकि भाई थाईलैंड में है, पासपोर्ट वासपोर्ट डिटेन कर लेते हैं भगवान। तो फिर मैंने अब क्या करें, तो फिर भैया वहाँ पकड़ लिया, तो वैसे तो बहुत सारे इंडियन करेंसी में तो 2000 रुपये बोल रहे थे सब, वहाँ भी जुगाड़ होती है। फिर कुछ नहीं, जुगाड़ हो गई, जुगाड़ के नाम पे क्या हुआ कि फिर उनने बोला कि बोलते ओके कम दिस साइड, कोने में ले गए वही अपने इंडिया के भाषा में, खोमचे में ले जाके वही जो इंडिया कि चलो 100-200 दे दो। तो उनकी करेंसी में 200 मांगे थे शायद, या 150 था ही बात, 150 मतलब इंडियन करेंसी के 300 रुपये दिए अपन ने वहाँ पर, छूट गए। तो अपना लाइसेंस है वहाँ पे, जैसे अपने को वहाँ कार बाइक बहुत इजी है, मतलब बहुत सस्ता भी है ऑटोमोबाइल वहाँ के, जैसे कि अपनी कौन सी बाइक देखी थी, हाँ Z900 कावासाकी, ये वो सब बहुत सस्ते में भाई। पेट्रोल डीजल का भाव भी बहुत सस्ता है, 30 रुपये लीटर था कुछ। अपन दबा के घूमेंगे इस बार, प्रॉपर अपना खुद का अच्छा हेलमेट ले जाएंगे, प्रॉपर GoPro के साथ सेफ्टी के साथ अच्छे से ड्राइव करेंगे, वहाँ राइड भी करेंगे, मोटो ब्लॉग्स बनाएंगे, विल शो यू एवरीथिंग, विल शो यू हाउ द पार्टी इज़ गॉन, बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ देखते हैं, पूल पार्टीज़, बीच की जो पार्टीज़ होती है वो सब दिखाऊँगा। इस बार अपन 3 कंट्रीज़ है अपने पास, मतलब 3 कंट्री तो नहीं अपन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कम्बोडिया कोई काम की नहीं, वियतनाम हो क्या है, नो फन, वेस्टेज ऑफ टाइम। और वो क्योंकि बहन जो लैंग्वेज बैरियर तो बहुत ज़्यादा ही था, इंग्लिश तो मतलब वो 0 समझते हैं, 0, कोई काम का नहीं है, तो वो तो अपने कोई काम का नहीं है। और कम्बोडिया बहुत छोटी जगह है उनकी करेंसी के लिए, फिर डॉलर लो, डॉलर से फिर एक्सचेंज कराओ, और होना वहाँ कुछ नहीं, क्योंकि कम्बोडिया के लोग भी इधर के अपने थाईलैंड जैसी सेम बिल्कुल डिट्टो, और वो सब साउथ एशियन कंट्रीज़ है। सो विल गो टू थाईलैंड 10 डेज, पर इस बार 3 सिटी अलग अलग, उस बार था पटाया और बैंकॉक, इस बार अपन जाएंगे फुकेत, तो फुकेत से आना जाना करेंगे, फुकेत से ही आएंगे इंडिया के लिए। फुकेत में होती है बीच पार्टी सबसे बड़ी बड़ी। अच्छा ये लर्निंग कार है भैया, अभी आता है तो आंटी सीख रही है भैया। तो अपन ना
पूल पार्टीज दिखाएंगे तुमको सर बेहतरीन, मतलब टोटल हाउ टू डील सब कुछ, बूम बूम चुम चुम में भी कैसे स्टार्ट होता है, मतलब कैसे बीच पे लड़कियां होती है, फिर वो तुमसे कैसे लाइक अप्रोच करती है, देन हाउ पीपल अप्रोच टू देम, कैसे सब कुछ होता है, लोग कैसे होटल लेके आते हैं, बिकॉज इस होटल में आप रुकोगे हर होटल में आपको दिखते रहेंगे लोग आते जाते, कई फॉरेनर्स जो रहते हैं यूएस यूके वाले जो हैं पोलैंड वाले वो दिन भर ही लेके आते रहते हैं अमान सामान उनको, तो वो दिखता रहता है हाउ दे गिव देयर पासपोर्ट देयर, इंडियंस भी होते हैं ऐसा नहीं है एवरी वन इज़ देयर बिकॉज बट उनकी करेंसी मजबूत है तो वो दिन भर यही करते हैं दबा के, एंड उनके पास वो अच्छी अच्छी लड़कियाँ भी चूज़ करके लाते हैं बिकॉज अब बहुत सुंदर आप लाते हो मॉडल जैसी लड़कियाँ तो यू हैव टू गिव बिग मनी, अब इंडियन करेंसी के हिसाब से 10,000 रुपये, सो दिस पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज उनका डॉलर ही बहन जो कितना है 86-87 हो गया, पॉन्ड भी अच्छा है 92-95 हो जाता है, दे इंजॉय अ लॉट, अपन जैसे गए तो भाई इंडियन करेंसी भी इंजॉय डबल भाव है थाईलैंड में, अब चल रहा है 2.40 का रेट, तो अपने को तो महंगा ही है तो कोई वो नहीं है, अरे क्या चूतिया आदमी, चलना भाई मिठू तोते के। क्या पता कौन है भैया, मोबाइल चला रहा होगा नहीं तो भोसड़ी के अंदर मोबाइल चलाने वालों का ही काम होता है ऐसा, भैया तो क्राउड इतना खतरनाक होता है ना यहाँ तो समझ ही नहीं पड़ता कि करना क्या है, जो रास्ता चार जगह और लोग ऐसे आते हैं यही समझ नहीं आता है भैया कौन से जमाने की वो निकालना है, वही चीज़ें हैं ऐसा सब होगा इस बार विल गो टू, इस बार अहमदाबाद से नहीं जाने वाले, इस बार वी विल हैव समथिंग न्यू फर्स्ट विल, और इस बार अपन अपनी होम सिटी से जाएंगे अपने इंदौर से डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे सीधे जिसमें अपन रुकेंगे बेंगलोर में आज तक गया भी नहीं हूँ, सो बेंगलोर का जो न्यू एयरपोर्ट रहेगा इंटरनेशनल उस पर अपन रुकेंगे, उसी से होएगी बदमाशियाँ शुरू, और उस बदमाशी में क्या होगा 6 घंटे का लेओवर रहा है वहाँ पे अपना, ठीक है 6 घंटे के लेओवर में क्या होगा कि अपन जितने लॉन्च हैं वहाँ के सारे बड़े से बड़े दुनिया के सारे गार्ड हैं आज के टाइम में, और हर लॉन्च के हर एक फैसिलिटी रखते हैं अपन, उन चीज़ों का मज़ा लेंगे, अनलिमिटेड फूड अनलिमिटेड अल्कोहल अनलिमिटेड एवरीथिंग मींस एवरीथिंग, चीज़ों का दबा के मज़ा लेंगे 6 घंटे हैं ठीक है, उनका ड्यूटी फ्री भी देखेंगे उनके सारे स्टोर सब चीज़ें तुमको बताऊँगा यार, दिस टाइम यू विल इन्जॉय माई वीडियोज़, अभी तक तो मेरे को भी नहीं लगा कि मेरी वीडियोज़ कुछ इतनी खास थी क्योंकि मैं इतना कुछ अच्छे से बता नहीं पाया यार, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि या तो मैं मोबाइल ले जा नहीं पाया कई बार क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, एक बार लेके आया जो मेरे साथ लोग गए थे वो लोगों ने भी मेरा कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं किया, बट दिस टाइम आई एम ऑल अलोन, बट फिर भी हम सब कुछ करके दिखाएंगे तुम्हें प्रॉपरली विल मेक अ गुड वीडियोस सब करेंगे, सो अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने वाले हैं इस बार अपन, सब चीज़ों को शूट करेंगे कैसे, जैसे वहाँ पे अल्कोहल खरीदूंगा मैं ड्यूटी फ्री से अपने दोस्तों के लिए फैमिली के लिए, सो विल शो यू कि हाउ टू परचेज दिस, इंडियन रेट क्या है कंपैरिजन करके सब बताएंगे तुमको इस बार के ड्यूटी फ्री के वीडियो भी बढ़िया रहेंगे, सब कुछ बताने वाले हैं इस बार आपको, ठीक है बस यार, और बाकी कभी अपन अब बात करते हैं हमारी गाड़ी की यार, तो यार ये गाड़ी भी है ना इतनी कोई खास है नहीं जितना मतलब ऐसा हाइप बना रखा था, और मैंने भी सुना है मतलब रॉयल एनफील्ड का जो मज़ा है वो आता है, बट इस गाड़ी में हंटर में कुछ चीज़ें हैं यार आज के टाइम मेरे को लगता है जितनी भी रॉयल गाड़ियाँ आ रही है अभी सब में होगा, अब ये नट आता है इसका क्लच वायर का, वो क्लच वायर अभी एक साल में ख़राब हो गया पानी लग लग के, वहाँ एक नट उसमें से पानी घुसता रहता है टोटल टाइम, अरे तो बड़ी दिक्कत है, चेन स्पॉकेट 10,000 किलोमीटर पर ख़त्म हो गया जबकि मैं तो 8,000 तो चलाता ही नहीं हूँ, 50-60 हाईएस्ट बस, प्रॉपर गियर शिफ्टिंग करता हूँ सब तो भी पता नहीं लगा, चेन स्प्रे कर रहे हैं इतने महंगे महंगे, तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा काम रहा मतलब इतना एक्सपेंसिव गाड़ी लेने के बाद, उसके बाद भाई चेन स्पॉकेट लगाने का 3,000 रुपये खर्चा, 1,000 रुपये तो भैया सिर्फ उसकी लेबर है, 2,000 रुपये का चेन स्पॉकेट बाहर से लगवाओ तो भी उतना ही खर्चा, फिर क्या मतलब समझ नहीं आया यार ये सब चीज़ें अपने को कुछ। अरे यार गाड़ी बंद करी और वो चल हो गया, एवरेज का तो कोई रोना नहीं है क्योंकि शेयर जैसी गाड़ी अच्छी है चलती बढ़िया है, बट यार ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव और बिना मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बिना उसके लपटा दिया अपने को तो समझो,
अब अभी उसका चेन स्पॉकेट डलाना पड़ेगा, 3000 रुपये का है, और क्लच वायर भी डलाओ 300 रुपये 250 रुपये का आएगा, वो भी विथ लेबर। लूटा हमारी 8-18% GST लेते हैं फसड़ी के हर चीज़ पे। अब जैसे कुछ मेरे पास दुकान है ऐसी जहाँ पे मुझे रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल पार्ट्स मिल सकते हैं विथ 10-12% ऑफ, बट बाहर लेबर उतनी लग जाती है, तो बात वही आ रही है यार, बहुत परेशान हो गए हैं, खर्चे कम होने को रेडी नहीं है। और क्या यूज़ होना उतना अपना बहन जो, तो मज़ा जैसे लोग नहीं दौड़ाते हो चलाते हैं बुलेट बिल्कुल पहले गियर में, देख क्लच मारा छोड़ रहे हैं दबा के एंजॉय करते हैं, तो मज़ा है। अपन तो भाई कुछ करते ही नहीं, सिंपल सादे आदमी है, चुपचाप चलते हैं। हाँ ब्रेक पैड तो भाई 3000 भी घिस गया गए थे, अभी ब्रेक पैड ब्रेक भी अच्छे से लगाते थे, सो अपने क्या समझ नहीं आई चीज़ें इनकी, अच्छा काम नहीं लगा अपने को इन चीज़ों से, अपन संतुष्ट नहीं है रॉयल एनफील्ड से। एटलीस्ट वो बाहर के पास या तो सब पैक वाला कुछ दो, स्कूटी में कैसे होते प्लास्टिक के अंदर सब रैप हो जाते हैं। अब स्कूटी को कहें अपनी है 2020, 5 साल होने वाले हैं, 25 चार साल तो हो गए, और 32000 चला दी दबा के, और बढ़िया चलाया रफ बिल्कुल, 600-600 किलोमीटर खूब चले लगातार सब किया, पर वहन जो आज भी बढ़िया चक चक पक पक है। ये वहन जो गाड़ी को बिल्कुल ऐसे रखते हैं प्यार से, बेडरूम में सुला के रखते हैं अपने बेड के पास ही गाड़ी को, भी वहीं रखते हैं, ना पानी खाती ना धूप खाती, तो भी इनके हालात इतने गंभीर हैं, कभी इसको ऐसे रोड पे खड़ा कर देता ना रोज पार्किंग में लगता है तो ख़त्म हो जाती। वही है भाई, और सर्विसिंग सब शोरूम पे हो रही है इनकी। बट भाई मैं तुम सबको भी बोलूँगा, देखो रॉयल एनफील्ड की जिसकी वजह बाइक है या जो भी बाइक है भाई, शोरूम पे ही कराओ और खड़ के कराओ, 150 ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आज के टाइम में गाड़ियाँ हो गई बहुत महंगी, ये सामान हो गया 2-10, 2-15 का, नगद भाव बता रहा हूँ मैं तो, नगद में लिया था। अब जो लोन पे लेंगे जिनके जैसी भी कंडीशन के हिसाब से, तो ब्रो शोरूम पे कराओ, 10-20 के चक्कर में क्या किसी ने इधर उधर कोई नट छोड़ दी है, कोई रबर लगाना भूल गए तो गए, पता लगा एक और नया नुकसान, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स बिफोर डूइंग एनीथिंग, कहीं मार्केट में करा रहे हो तो, पंचर बनवा रहे हो तब भी ध्यान रखो, गाड़ी में बहुत सारी ऐसी पार्ट्स हैं पता लगे कि वो भी अपने लिए तकलीफ बन जाए, सो बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार, गड़बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये खर्चे भी इतने बड़े हैं जो ले डूबते हैं। ओ माई गॉड हाउ क्यूट क्यूट कार्स देख रहे हो, यह है मर्सिडीज GLS, भाई एस क्लास भी खड़ी है 27, पोशे अपनी स्कोडा, वो अंदर भी खड़े हैं सामान एक से एक भैया, हाई क्रॉस भी खड़ी इनोवा, बड़े घर का ब्याह शादी है कुछ है पार्टी शर्टी, बम गाड़ियाँ खड़ी है बड़ी बड़ी, ये हनुमान भगवान रक्षा करो आप, आशीर्वाद बनाए रखो। और अपन भी यार जितने मोनेटाइज हो जाएंगे ना तुम सबके आशीर्वाद से, तो एक बढ़िया कोई अच्छी बाइक लेंगे, स्पोर्ट बाइक यार, बुलेट उलट में अपने कोई मज़ा नहीं आया, जिस हिसाब से सोच के लिया था इतना जितना नाम सुना था वैसा कुछ, इतना भी हाइप के हिसाब से वैसा कुछ हुआ नहीं, चुतिया बना दिया बस, मतलब इतना एक्सपेंसिव सामान लेके भी कुछ ऐसा खास उखड़ा नहीं, तो कौन सी होटल तक पहुँचा हूँ मैं अभी तक, श्री माना यहाँ ये वाला कब सा दूसरा है, ये खड़ा सामान फॉर्चूनर, एक तो रॉन्ग साइड आओ ना, एक तो यही इशू है, पर वहाँ रास्ता ही नहीं है, मॉल कैसे जाए। अपन ने भाई उस टाइम जो घड़ी ली थी 14000 की थी, उसको मैंने ली थी कुछ 6-300 में उस टाइम ऑफर में, तो उस टाइम तो अपनी हालत कमज़ोर थी, बीच में अपनी हालत मजबूत हो भी गई थी फिर कमज़ोर हो गए नाइट शिफ्ट एंड ऑल, सो अपन सोच रहे हैं उसको लगवा लेते हैं, घड़ी में थोड़ी बड़ी रहेगी पर ठीक है, घूम गया तो पूरा बेल्ट बदलेगा तो 3500 का उसका, इतना महंगा है सब कुछ, तो ये सब करवाते हैं आज यार। आईफोन को भी समझते हैं अपने, शॉपर स्टॉप आ गए हैं अपन, शॉपर स्टॉप से अपन पानी आने वाला। सो फाइनली फ्रेंड्स अब हो गया हमारी घड़ी का काम, ये हो गई हमारी घड़ी सही, अब इसके बाद हम जाते हैं हमारा लैपटॉप लेने आज, फिर आईफोन, सब चीज़ों को निपटाना है यार,
भाई पानी नहीं मिल जाए यार रास्ते में, क्योंकि पानी आ जाता है ना उसके बाद मन करना बंद कर देता है कोई भी काम के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। श्रुतिया से अंकल इधर उधर क्या कर रहे हैं? और देखो ये इसका ऊपर डिपर है, बंद किया। हम ट्रिप की बात करेंगे तो इसको वेदर कितना सुंदर हो रहा है। 005